फ़ोटोशूट मेरे लिए बहुत ही ख़ास है क्योंकि आज पहली बार मेरा पूरा परिवार मतलब माय वाइफ एंड माय डॉटर टीना एंड रेहा दे बोथ आर गोना बी ऑल थ्री ऑफ यू नो थ्री ऑफ अस आर गोना कम टुगेदर एंड हम लोग शूट करेंगे। एंड जयेश जो मेरे बहुत ही अच्छे मित्र हैं, बहुत ही वेल नोन फोटोग्राफर हैं, उनको मैंने कहा कि ऐसे ऐसा ऐसा हम शूट करते हैं। तो पूरा परिवार जो है काफ़ी एक्साइटेड है आज। एंड जैसा कि कहते हैं ना कि यू शुड लिव बाय द मोमेंट, सो इट्स अ बिग मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। आज तक मेरे कैरियर में फर्स्ट टाइम हुआ कि पूरा फैमिली के साथ में कोई सेलिब्रिटी फोटोशूट कर रहा है, तो ये आइडिया किसका था? जी, ये आइडिया मेरा ही था क्योंकि जब भी मैंने जयेश के साथ फोटोग्राफ्स यू नो खींची हैं, हमने फोटोशूट किया है और मैं घर जाके आई एम शोइंग देम एंड वो काफ़ी एक्साइटेड होकर यू नो दे सी माई पिक्चर्स, माई वाइफ एंड माई डॉटर। एंड फिर मैंने सोचा कि वाई नॉट कि चलो हम लोग तीनों मिलकर करते हैं, कभी ऐसा हुआ नहीं है। एंड मेरी बेटी को भी शौक है यू नो कहीं ना कहीं, शी इज़ गॉट एन एक्टर इन हर। एंड माय वाइफ आल्सो आई थिंक शी इज़ अभी सिंस मैं कोई शूट नहीं कर रहा तो वो मुझे बताती हैं कि देखो ऐसे ऐसे एक्टिंग करनी चाहिए, तो मुझे एक्टिंग सिखा रही है वो काफ़ी घर पे काफ़ी टिप्स मिल रहे हैं। हाँ, बहुत बहुत काफ़ी टिप्स मिल रहे हैं। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, तुम आओ फोटोशूट करते हैं साथ में तो तुम्हें भी मज़ा आएगा। कितने चेंजेस होने वाले? देखिए तीन चेंजेस होंगे। एंड पहला तो ये है ट्रेंडी स्पोर्टी लुक, टी शर्ट्स, डेनिम जैकेट, कैजुअल, वेरी वेरी कैजुअल एंड लिटिल थोड़ा सा कूल रखा है। सुपर ड्राई लेटेस्ट कलेक्शन इज़ व्हाट आई एम वेयरिंग। एंड उसके बाद है टक्सीडो लुक, आई थिंक डिनर जैकेट। आई जस्ट फेल दिस दैट यू नो बो, हमेशा मैं टाई ही पहन के रेड कार्पेट्स मैंने अटेंड किए, दिस टाइम आई वॉन्टेड टू वेयर अ बो एंड द टक्स बिकॉज आई वॉन्टेड टू फील लाइक जेम्स बॉन्ड। एंड माई वाइफ इज़ गोइंग टू बी वेयरिंग अ गाउन। आई जस्ट फील दैट कि यू नो सी आई एम 38 नाउ एंड मुझे ऐसा लगा था मेरे करियर में कि मैं बाई दिस टाइम आई विल बी मीटिंग द प्रेजिडेंट्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, मैं आई विल बी मीटिंग द एम्बेसडर्स। तो अब वो सब हुआ नहीं, तो मैं अपने शौक पूरे कर रहा हूँ यहाँ पर रेड बैकग्राउंड पे। आई एम ट्राइंग टू वेयर दोज क्लोथ्स विच आई थिंक आई कैन वेयर व्हेन आई एम इन द वाइट हाउस। ओके, आपके डॉटर की बात की जाए तो डॉटर हमेशा अपने फादर के बहुत क्लोज रहती है, तो आपकी बॉन्डिंग के बारे में क्या कहना चाहिए आपके डॉटर के साथ? ओह, मेरी डॉटर और मैं मतलब हम लोग दंगल करते हैं साथ में। अब आप ये सोच लीजिए कि मतलब शी इज़ माई एवरी थिंग एंड जैसे ना कि वो दस मतलब शी इज़ लाइक डॉटर्स आर द बेस्ट। एंड कहीं ना कहीं मतलब जैसे कहते हैं ना कि एक डॉटर का एक स्पेशल रिलेशनशिप फादर के साथ होता ही है एंड वो है। हम साथ में बास्केटबॉल खेलेंगे, बैडमिंटन खेलेंगे, स्पोर्ट्स, साइकिलिंग, आई टॉट हर साइकिलिंग एंड हर चीज़ में लाइक पापा आई वॉन्ट टू डू दिस, आई सेड चलो। एंड देन देर आर टाइम्स वेन शी टेल्स मी यू नो सर्टन थिंग्स। एंड अभी उनका अभी मेरे कुछ महीनों से मेरा शो नहीं है ऑन एयर एंड वो भूल गई हैं कि मैं एक्टर हूँ एंड ये बहुत बड़ी दिक्कत है मेरे लिए। एंड मैं पहले पूछता था कि आपका फेवरेट एक्टर कौन है, तो कहती थी पापा यू आर माई फेवरेट एक्टर, यू आर माई बेस्ट एक्टर। एंड अब मैं पूछता हूँ कि हुज़ योर फेवरेट एक्टर, वरुण धवन। तो ऐसे वरुण धवन, और मैं सोचो 2000 रुपये खर्च करके उसे सुई धागा भी दिखा रहा हूँ। एंड मतलब फादर मतलब इस ऐसी सिचुएशन में मैं हूँ कि हम लोग जुड़वा देखते हैं, राजा उसे बहुत पसंद है। एंड बेस्ट पार्ट इज़ वेरी स्वीट ऑफ वरुण धवन दैट यू नो हमने वीडियो शूट किया एंड वी ट्वीटेड टू वरुण और वरुण ने भी रिप्लाई किया रेहा को, तो रेहा ने स्कूल में जाके कहा कि यू नो वरुण एंड मी आर फ्रेंड्स नाउ। तो रेहा को बड़ा अच्छा लगता है कि अभी आएगी रेहा तो आप पूछना उससे कि क्या बात है आप वरुण और आप फ्रेंड्स हो गए। एंड शी इज़ वेरी स्मार्ट एंड आई लव दैट। एंड कभी कभी यू नो आई एम अ वेरी पॉजिटिव पर्सन, मेरा एक सिंपल सा मानना है कि लाइफ में बॉस आप मेहनत कीजिए, हार्डवर्क पैशनेटली काम कीजिए और ऑनेस्ट रहिए, क्योंकि ज़िंदगी जो है ऐसे ऊपर नीचे जाएगी। एंड कभी आप जब आप ऊपर जाओगे तो आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचोगे भी नहीं, और जब आप ज़िंदगी आपकी जब नीचे जा रही होगी तो आप छोटी छोटी बातों के बारे में सोचोगे। तो उस वक्त भी आपको पॉजिटिव रहना है और यू हैव टू सी टू इट दैट कीप योर फैमिली क्लोज टू यू, बिकॉज फैमिली जो एक ऐसी यू नो ऐसे लोग हैं जो आपके साथ ज़िंदगी भर यू नो आपका साथ देंगे नो मैटर वॉट। एंड आपकी ज़िंदगी में हमेशा खुशियाँ भी आपकी फैमिली की वजह से ही आएंगे। एंड देर हैव बिन डेज वैन आई थिंक यू नो आई बिन लिटिल डाउन कि यार एक शो था जो मैं उम्मीद लगा के बैठा था कि यार मुझे बहुत बड़ा मौका मिल रहा है, मुझे एक बिकॉज
भले ही मुझे 16 साल हो गए इंडस्ट्री में, लेकिन हर दिन मेरे लिए एक नया दिन है. यू नो आई वांट टू वर्क विद द बेस्ट पीपल. एंड वो फिर शो हुआ नहीं. एंड मैं घर आया, बहुत मायूस था. एंड मैंने रेहा से हाय पापा, अच्छा हाय रेहा हुई. उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, और रेहा आई, उसने मुझे यू नो हग किया एंड शी सेड, यू नो व्हाट पापा, यू आर माई मोस्ट फेवरेट एक्टर. तो मैं बहुत हैरान हो गया, बिकॉज इट्स ऑलवेज वरुण धवन वरुण धवन वरुण धवन, एंड देन शी सेज यू आर माई मोस्ट फेवरेट, एंड शी जस्ट मेड मी फील वेरी गुड एंड आई वॉज वेरी हैप्पी. एंड फिर मैं उसके बाद यू नो नेक्स्ट डे जब थोड़ा सा नाटक करने के लिए कि अच्छा रेहा हु इज योर फेवरेट एक्टर, वरुण धवन. तो ऐसा नहीं है कि वो एक वो मैजिकल मोमेंट था यू नो फॉर मी. तो दैट वे यू नो दीस थिंग्स आर देयर विद रेहा. ओके, बॉन्डिंग की बात होगी, फैशन की बात करें तो आपके घर में कौन आपके जो कपड़े वार्डरोब देखता है, आप पर्सनली या आपकी वाइफ? देखिए शादी से पहले मैं देखता था सब कुछ, गए दुकान में, बॉस ये जीन्स दे दो, ये टी शर्ट दे दो, ये, और एक ही दुकान में जाके सब कुछ लेना, मतलब डोंट थिंक टू मच, मतलब आधे घंटे में शॉपिंग डन. बट शादी के बाद वही चीज़ें मैंने जब करने की कोशिश की तो मैं बहुत बुरी तरह से फेल हुआ, क्योंकि मुझे कहा गया कि नहीं ये टी शर्ट अब इतनी अच्छी नहीं है, हम उस दुकान में जाएंगे और वहाँ पर देखेंगे. एंड जिसे कहते हैं ना विंडो शॉपिंग. सो आई थिंक एंड माई वाइफ हैज़ अ वेरी गुड सेंस ऑफ फैशन, शी इज़ वेरी गुड यू नो विथ क्लोथ्स एंड एवरीथिंग. सो आई टेक हर एडवाइस वेरी सीरियसली. एंड मैंने ये चीज़ नोटिस की कि जब भी आई हैव वोन वॉट शी हैज सजेस्टेड मी टू वेयर, पीपल हैव गिवन मी अ लॉट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स. तो इट वर्क्स. तो ठीक है, अभी वो है नहीं यहाँ पर, तो उनकी ज़्यादा तारीफ कर सकते हैं अभी कि शी प्लेज़ अ वेरी बिग रोल. बट एट द सेम टाइम आई व्हेन आई गो थ्रू फैशन मैगजीन्स, जब मैं देख रहा हूँ कि ग्लोबली क्या चल रहा है एंड व्हाट पीपल आर वेयरिंग, व्हाट डिज़ाइनर्स आर सजेस्टिंग यू टू वेयर, अगर माइनर चेंजेस के साथ इफ़ आई कैन वेयर इट, व्हाई नॉट. ओके सर, अपकमिंग प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो आपको हमेशा जब भी आप स्क्रीन पर बहुत ही प्यार मिला है, शाका लागा मुंह हो जाए, अदालत हो जाए, कोई भी हो जाए, आपको बहुत प्यार मिला, कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट जो आप लेके आ रहे हैं और रिया को सरप्राइज करने वाले स्पेशली? जी मेरी पूरी वही कोशिश है, एक अभी प्रोजेक्ट इज वर्क इज स्टिल इन द राइटिंग प्रोसेस एंड होपफुली नवंबर में इट्स गोना कम ऑन एयर, एंड नवंबर एंड या दिसंबर में. इट्स अ वेब सीरीज राइट नाउ. एंड ये बड़ा एक बहुत बड़ा एक मसला हो गया, क्योंकि कुछ कुछ शोज़ हैं जो मैंने सोचा कि यू नो ऑडिशंस जब मैं गया या मैंने किए, एंड आई न्यू वेरी वेल कि ये माय डॉटर विल नॉट बी एबल टू वॉच इट. अभी मैंने बीच में, हालांकि यू नो मैं कभी एपिसोडिक्स नहीं करता, लेकिन मैंने एक दो एपिसोड्स भी किए ये सोचकर कि चलो यू नो यू आर वर्किंग विद अ प्रोडक्शन हाउस, आप पहली बार एक जन के साथ काम कर रहे हैं. बट फिर मैंने घर पर किसी को बताया नहीं कि वो आने वाला है ऑन एयर. तो मैं ऐसा काम आई प्रेफर नॉट टू डू, क्योंकि मेरा लास्ट शो जो था वो था चलती का नाम गाड़ी विद सुशी रोड, एंड वो काफ़ी अच्छा, इट वाज अ ग्रेट शो वेयर यू नो आई एम टॉकिंग टू अ कार, एंड बहुत ही फन फैमिली ओरिएंटेड, एंड रेहा को भी बड़ा मज़ा आया वो देखकर. तो ऐसे शोज अगर करने को मिलेंगे तो इट विल बी ग्रेट. ओके, बिग बॉस की बात करें, सुशी रोड बिग बॉस में, लेकिन उन्होंने बिग बॉस जाने के पहले एक फोटोशूट कराया था, आपका एक फोटोशूट आ रहा है, काफ़ी बज क्रिएट हो रहा है कि आप भी बिग बॉस में शायद वाइल्ड कार्ड एंट्री पे जाने वाले, तो क्या करना चाहिए इसके बारे में? बॉस वेरी फ्रेंकली, पहली बात सृष्टि रोड बिग बॉस में गई है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं कभी सोच सपने भी नहीं सोच सकता था कि आप जाएंगे वाइल्ड कार्ड एंट्री. नहीं, अभी तक तो नॉर्मली सी चक्कर ये हुआ है कि जब लास्ट ईयर व्हेन शिल्पा वेंट इन बिग बॉस, उसके बाद मीडिया स्टार्टेड राइटिंग द फैक्ट दैट यू नो आई माइट बी कमिंग इन द शो, एंड मैंने उस वक्त भी कहा था कि नहीं मुझे किसी ने अप्रोच नहीं किया है. इस साल भी वही हुआ कि लोगों ने फट से लिखना शुरू कर दिया इंस्टाग्राम पे कि यू नो ही माइट बी वन, एंड मैंने उन्हें लिखा कि प्लीज़ डोंट राइट इट ऑन द सोशल मीडिया, कि ये अफवाह है, ये मत बोलिए आप. अभी फ़िलहाल बाकी जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं मुझे सब अच्छे कंटेस्टेंट्स लग रहे हैं, एंड इस बार जो लोग आए हैं तो हैट्स ऑफ टू द बिग बॉस पैनल सेलेक्शन पैनल, एंड इफ़ आई एम ऑफर्ड आई विल डेफिनेटली कंसिडर इट लुकिंग इन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स, एंड आई वुड से दिस टाइम द कंटेस्टेंट्स आर वेरी गुड. ओके, आर यू फॉलोइंग बिग बॉस? जी हाँ, मतलब मैं एवरी एपिसोड तो नहीं देख रहा हूँ, लेकिन हाँ जैसे मेरी मदर देखती हैं तो उनसे पूछ लेता हूँ कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, एंड नहीं तो ऑन एंड ऑफ डेफिनेटली देखता हूँ, इट्स ऑन माय टाटा स्काई रिकॉर्ड राइट नाउ. ओके, सृष्टि के बारे में क्या कहना चाहिए, कैसा प्ले कर रहे हैं, वेल या डल प्ले कर रही है? नहीं, आई थिंक सृष्टि इज़ अ, जो मैंने देखा है कुछ एपिसोड्स उसमें बहुत अच्छा प्ले कर रही हैं, एंड शी इज़ अ वेरी फुल ऑफ लाइफ, फ्रिस्की, मतलब अपने में यू नो लाइक इट्स अ जैसे चार, हाँ सेफ गेम खेल रही हैं, और जैसे दो तीन लोग बैठ जाएंगे तो मस्ती करेंगे, अच्छी बातें करेगी, शी इज़ अ पॉजिटिव पर्सन, ये एंड फोकस्ड है. अगर वो अपना फोकस नहीं हटाती हैं तो आई एम वेरी श्योर दैट शी शुड विन,
यू नो बिकॉज आई थिंक बिग बॉस विनर्स जितने भी रहे हैं इन द पास्ट ऑल्सो इफ़ यू सी देव ऑल बिन वेरी गुड पीपल एट हार्ट यू नो देव ऑल बिन वेरी गुड इंडिविजुअल्स जो ऑडियंस है वो किसी गलत इंसान को जीतने नहीं देगी तो आई थिंक सृष्टि भी आई थिंक शी इज अ वेरी राइट पर्सन टू विन द बिग बॉस ओके लास्ट दो सवाल टॉप थ्री में आप किसको देखते हैं आई थिंक सृष्टि को देखता हूँ श्रीसंत को देखता हूँ बिकॉज श्रीसंत जो हैं वो आई थिंक बहुत ही प्यारे हैं और बहुत ही अच्छे इंसान हैं मतलब वो ऐसा लग रहा है कि उनको जो अगर वो रूट जाते हैं तो फिर मतलब वो माइक उतार के बोलते हैं मुझे बिग बॉस मुझे घर से बाहर जाना है मतलब कि ऐसा लगता है उनको कि बिग बॉस मतलब वो वेट कर रहे हैं कि श्रीसंत बोलेंगे और वो दरवाज़ा खुल जाएगा उनके लिए तो एंड सलमान सर भी उनको समझा रहे हैं कि देखो तुम्हें एक बहुत बड़ा मौका मिला है इट्स अ गेम 3 महीने में ख़त्म हो जाएगा इन्जॉय द फेज तो शीशन जो है मुझे बड़े अच्छे लगते हैं और सी इट्स एंटरटेनमेंट ऑल्सो दैट ही इज़ फाइंडिंग द होल बिग बॉस सो अनकम्फर्टेबल तो ही इज़ वन एंड द थर्ड कंटेस्टेंट हुम आई फील इज गोइंग टू बी इन द फाइनल्स इज आई थिंक सौरभ द सिंगर आई थिंक सॉरी दीपक द सिंगर बिकॉज ही इज़ वेरी आई थिंक वो गाँव से आए हैं लेकिन मतलब जैसे कुछ लोग कहते नहीं कि अरे वो शहर का है तो ज़्यादा इंटेलिजेंट ऐसा कुछ नहीं है बॉस गांव के लोग भी बहुत समझदार हैं सुलझे हुए हैं या शायद वो शहर वालों से ज़्यादा सुलझे हुए हैं और वो शायद वो दिखा रहे हैं दीपक इतना इंटेलिजेंट है वो जो सिंगर हैं दीपक एंड इट्स अ वेरी नाइस बॉय इसके अलावा जसलीन माथुर और अनुप की जोड़ी जो है अनुजी की जोड़ी काफ़ी सुर्खियों में है क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आई थिंक यू नो एक वक्त आया था जब आप देख रहे होंगे कि व्हाट्सएप पे आलोक नाथ जी के ऊपर बहुत सारे फॉरवर्ड्स आ रहे थे एंड उसके बाद अगर एक इंसान के बारे में अगर फॉरवर्ड्स आए वो हैं अनूप जी एंड जसलीन के बारे में मतलब हर दिन मतलब ऐसे ऐसे जोक्स आने लग गए कि यू नो हस्बैंड बोल रहे हैं वाइफ से कि यू नो हम भजन संध्या में जा रहे हैं तो बीवियाँ बोल रही हैं कि चुप करके घर पर दारू पियो यू नो ऐसे 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 फॉरवर्ड्स आने लग गए हैं And it's it's very brave of Anoop ji and Jasleen to come on a show like this on a prime time and you know making their relationship public and see देखिए किसी की personal life के बारे में I think today comment करना is very wrong because ज़िंदगी जो है if it's okay with Anoop ji and if it's okay with Jasleen then you should be happy for their happiness because एक इंसान जो है you don't know what those two people are going through in their lives you know they might be lonely they might be complimenting each other they might be happy with each other but I think doing it in big boss is a very wrong decision according to me because big boss is all about making the person uncomfortable somewhere I think and baki ke jo log hain wo bhi unhe question karenge to agar wo big boss mein 3 mahine agar anup ji aur jasleen agar survive kar gaye to phir they'll have a great life ahead काउंटर पर ना पेन ड्राइव दिया सुपर मैंने थोड़ा सा पीछे जाना हल्का हाँ ओके रॉबर्ट आई एम रेडी फर्स्ट क्लास आर फर्स्ट शॉट हैज कम आउट एक्सलेंट या Fantastic. Keep a bigger smile. More smile. Yeah. Yes, that looks cool. Nice. Very nice. Super. Yes. Amazing. Very nice. Super. Very cool. You want to try the coming? Nice. Yeah, come down. Perfect. I like this. So see, here you are with the person who has inspired you. Yes. Nice. Yes, I like it. Yes, that should be a good shot. Very cool. Wow. Haan, that's good. We have patakas phoot rahe. Patake bhi phoot rahe beech mein. Yeah, this gives me a very nice shot. Yes, looking up towards him, yes. Damn cool.
perfect. Now you can change your clothes into the tuxedo with the family. Yeah. Because and turn towards me. The Hapas, that's it. And mummy and papa. Can you look at each other, please, mummy and papa? And come more closer, come more, get the faces closer, more. Very cool. Papa, kiss mama on the forehead. Close your eyes, mama, yeah. Okay, we are all ready for the next shot. Perfect. Okay? Until you're ready, we'll do it. LCD का पूरा